अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज बनाने जा रही हूँ गोश्त की चटनी। आप लोग देख सकते हैं ये चार पानी से धो के साफ़ करके रख ली हूँ। बहुत मज़े की बनती है। आप लोग भी एक बार मेरी तरीके से बना के देखिए गोश्त की चटनी। ये मीठा तेल है, ये धनिया पाउडर है, ये ज़ीरा पाउडर है, ये अदरक लहसुन, थोड़ा सा नमक, हल्दी, 6-7 हरी मिर्ची, खुद्दी मिर्च का कटा। चलिए मैं बनाने का तरीका बताती हूँ गोश्त की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिर्ची पाउडर है, ये 2 चम्मच डाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी और मेरा गोश्त का पानी सूख गया आप लोगों को बताऊँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े का बनता है ये गोश्त की चटनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं ये मेरा गोश्त का पानी सूख चुका है, मेरा मसाला भी अच्छी तरीके से भुने गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं ये गोश्त गलने के लिए पानी डाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं ये 4 सीटी पे उतार लूँगी गोश्त गले बार, आप लोगों को बतलाऊँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं ये मेरी गोश्त की चटनी तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। ये चटनी की तरह ही रहता है, आप लोग भी एक बार बना के देखिए। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा कोथिंबीर डाल रही हूँ मैं, ये हरी मिर्ची डाल रही हूँ। ये मेरी गोश्त की चटनी बन चुकी है, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मेरी ये गोश्त की चटनी तैयार हो चुकी है। रोटी के संगत, खाने के संगत भी खा सकते हैं। आप लोग भी एक बार मेरी तरीके से बना के देखिए, बहुत बहुत मज़े की बनती है। अब मैं आप लोगों को चख के बतलाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यम्मी 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 बनी है। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।